सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भैया पहले कल के पोल की, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप मैसेज करते हो फॉरवर्ड व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप में से 83% ने कहा कि नहीं नहीं और बाकी बोलते हैं भैया क्या करें हम हैं आदत से मजबूर। दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपके लिए ये है कि Xiaomi Mi A2 इंडिया में लॉन्च हो गया है, तो क्या आप इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर क्या दोस्तों है आपकी राय, मुझे बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों पहला अपडेट है वो यहाँ पे Mi A2 को ही लेके आता है, जहाँ पे दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गया है और ऐसा लगता है कि जैसे Xiaomi ने लास्ट वीक पे प्राइस थोड़ी सी और कम कर दी। दोस्तों यहां पे इस फोन की जो प्राइस है वो है 16999। ये दोस्तों है यहां पे 4GB RAM 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए। इसका जो 128GB का ऑप्शन है वो भी Xiaomi कहता है कि इंडिया में आएगा शायद आगे चल के बाद में, लेकिन फिलहाल के दोस्तों यहां पे ग्लोबल प्राइसिंग अगर हमसे बात करूं तो काफी कम प्राइस पे लॉन्च किया गया है, लेकिन फिर भी इस फोन में कुछ-कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आप ऐसे में क्या सोचते हो Mi A2 के बारे में, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे फेसबुक की तरफ से, जहां पे फेसबुक में भैया अभी होने ऐसा वाला है कि अगर आप करते हैं किसी से मैसेंजर पे वीडियो कॉल और अगर आपको लगता है कि यार काफी बोरिंग हो रहा है एक दूसरे की शक्ल को देखना और मतलब वही भैया सेम शक्लें चल रही है पिछले काफी टाइम से, तो यहां पर दोस्तों अभी आप ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करें, कुछ तरह तरह के फिल्टर्स, कुछ तरह तरह के आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, अपने चेहरे को भैया छोटा बड़ा लंबा मोटा पतला लगा सकते हो, तरह तरह के स्टिकर्स। ये है फेसबुक मैसेंजर वीडियो कॉल के लिए। वैसे आप वीडियो कॉल्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल में क्या लेते हो, स्काइप, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फ्री मैसेंजर वगैरह, क्या है राय बता दो नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे एक ऐसे नए एल्गोरिथम को लेके, जिसके बाद दोस्तों यहां पे हम डेवलप कर सकते हैं ऑटोनॉमस ड्रोन्स, जिससे ये होगा यार कि एयरपोर्ट्स के आसपास तो जहां पे बर्ड्स को लेके काफी खतरा बना रहता है, तो उनको दूर भगाने के लिए भैया उनको एक झुंड की तरह इकट्ठा करके वहां से दूर लेके जाने के लिए जो ऑटोनॉमस ड्रोन्स हैं वो काफी चीज दोस्तों काम कर सकते हैं। यहां पे ये स्टडी की गई कि भैया जो बर्ड्स है वो कैसे रिएक्ट करती हैं और कहां-कहां पे ड्रोन्स रखा जाए ताकि उनको एज अ ग्रुप हम कहीं बाहर ले जाएं, तो देखो आगे चल के शायद दोस्तों यहां पे सेफ्टी जो है वो थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है एयरपोर्ट्स पे ही बर्ड्स के खिलाफ। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है टोक्यो ओलंपिक्स को लेके, और फेस स्कैनिंग भैया चल रही है दुनिया में सभी जगहों पे दोस्तों मिलती है मोबाइल फोन से लेके पता नहीं कहां कहां, तो ऐसे दोस्तों होने ये वाला है कि जो होंगे ओलंपिक गेम्स 2020 में टोक्यो में, तो वहां पे फेशियल रिकॉग्निशन दोस्तों जो है टेक्निक्स को काम में लिया जाएगा एथलीट्स के लिए और दोस्तों जो बाकी ऑफिशियल लोग हैं उनके लिए, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि भैया जहां पे जिसके जाने की परमिशन है सिर्फ वही उस जगह को एक्सेस कर सके, वही वहां पे एंट्री पा सके। तो ये है फेस रिकॉग्निशन टोक्यो के ओलंपिक्स के लिए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 को लेके, इसको दोस्तों यहां पे कर दिया है अनाउंस क्वालकॉम ने और ये बेसिकली 660 से एक और कदम आगे बढ़ा लेता है। वैसे में देखते हैं कि इसको भैया पहले कौन लेके आता है मोबाइल फोन में, और यहां पे दोस्तों बोलते हैं कि जो मेन फोकस है वो है परफॉर्मेंस पे, एफिशिएंसी पे और साथ में AI पे। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पे हमको मिल जाएगी और अच्छे से जानकारी इसी नए स्नैपड्रैगन 670 के बारे में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे Paytm मॉल को लेके, और यहां पे भैया दोस्तों चल रहा है आजादी वाला ऑफर, जहां पे दोस्तों हमसे बात करता हूं फ्रीडम कैशबैक सेल की। आपको तरह तरह के यहाँ पे मिल रहे हैं कैशबैक ऑफर्स, तो आप भैया जाओ शॉपिंग करने का ये काफी सही टाइम है मेरे ख्याल से, जहाँ पे चारों तरफ मिल रहे हैं अच्छे डिस्काउंट्स, लेकिन पहले चेक कर लो कि वो डिस्काउंट सही भी हैं कि नहीं, कहीं जबरदस्ती बोल दिया प्राइस बढ़ा के बिफोर इतना आफ्टर इतना, दोस्तों यहाँ पे दिमाग खोल लो और चेक कर लो कि आपको मिलता है कहाँ पे बेहतर डिस्काउंट अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर पेटीएम वगैरह पे, और बाद में कर लो अपनी शॉपिंग कंप्लीट। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक ऐसी पुरानी स्टडी को लेके, जो ये बताती है कि भैया पुराने जमाने में दोस्तों जो डायनासोर्स वगैरह है वो परफ्यूम्स को एंजॉय करते थे। दोस्तों यहां पे जो परफ्यूम्स हैं वो आते दोस्तों थे यहां पे नेचुरली फ्लावर्स से, जो कि सेंट्स को प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद में भैया वो अट्रैक्ट करते थे डायनासोर्स को। तो ये एक अलग ही स्टडी निकल के आई है सामने। खैर क्या पता ऐसा हो भी कि वो आते हो फूल पकड़ते हो बाद में सूंघते हो बोलते हो क्या मजा आ गया। दोस्तों यहां पे ये है एक स्टडी पुराने डायनासोर्स को लेके। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे OnePlus 6 को लेके, और यहां पे भी भैया चल रही है इंडिपेंडेंस डे वाली दोस्तों कुछ सेल, तरह तरह के यहां पे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं
हैं कैशबैक वगैरह अगर आप लेते हैं वन प्लस 12 तारीख से पहले भैया ऑनलाइन, या फिर आप ले सकते हैं 12 के बाद ऑफलाइन स्टोर्स में, तो ये है वन प्लस की तरफ से ऑफर। सभी तरफ ऑफर ही ऑफर है भैया, लूट लो जहां आपको मिलता है सबसे बढ़िया डील। तो सर अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे ओपरा की तरफ से, और ओपरा दोस्तों पहले अपने एंड्रॉइड ब्राउजर के अंदर लेके आ गया था क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट, और अभी ये जो फीचर है ये आ गया है डेस्कटॉप में भी, जहां पे जो आपका ब्राउजर है वहीं पे ही आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को भी सेव कर सकते हैं। और वैसे आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज किसके पास में है, बिकॉज इंडिया में रेगुलेशंस काफी बदल गए हैं बिटकॉइन वगैरह को लेके, भैया आप पैसा कहां से डाल सकते हैं कहां से निकाल सकते हैं, तो ऐसे में क्या आपके पास में अभी कुछ क्रिप्टो करेंसी बाकी है मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। मेरे पास में जितनी थी पहले उतनी है, मैंने ना खरीदा ना बेचा कुछ भी नहीं किया, फ्लैट मामला चल रहा है पूरा का पूरा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक रिपोर्ट को लेके, आप बताना कि सही है कि नहीं है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में नोकिया 7 प्लस में आ गया है एंड्रॉइड 9 पाई वाला OTA अपडेट। तो यहाँ पे अभी एकदम कन्फर्म्ड न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जो बताते हैं कि नोकिया 7 प्लस में भैया मिल रहा है अभी एंड्रॉइड 9 पाई का अपडेट, जो कि बहुत ही फास्ट अपडेट होगा भैया अगर मैं बात करता हूँ बाकी फोन से कंपैरिजन में। तो क्या आपके पास में नोकिया 7 प्लस है, क्या आपको अपडेट मिला मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और साथ में आपको क्या लगता है कि जो फोन अभी आपके हाथ में है, जो फोन आप यूज कर रहे हो, क्या उसमें एंड्रॉइड 9 पाई का अपडेट आएगा बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो सुनो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप ने भैया बोल दिया है ऑफिशियली कि इंडिया में जो लिमिट है भैया फॉरवर्डेड मैसेजेस को लेके वो हो गई है 5 पर यूजर, और ये दोस्तों भैया सभी के लिए एप्लीकेबल है, फिर चाहे आप यूज करते हो व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे या फिर एंड्रॉयड पे या फिर iOS वगैरह पे। और अभी दोस्तों इसके अलावा शायद चैटिंग को लेके भी शायद कुछ लिमिट्स आ सकती हैं, मतलब भैया वो इंसान जो करते हैं शायद एक्सप्लॉइट इस फीचर को कि धड़ाधड़ भैया कर रहे शेयरिंग और कर रहे हैं फॉरवर्ड मैसेजेस वगैरह, उनको शायद भुगतना पड़ सकता है भैया एक तरीके से जुर्माना कि वो ऐसा काम ना कर पाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप को। आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप इंडिया में यार कैसे कंट्रोल करे इन सब चीजों को, जहां पे अफवाहें अफवाहें फैल जाती हैं बहुत तेजी से, आपकी क्या राय है बताना जरूर नीचे कमेंट्स में कुछ अगर इंटरेस्टिंग आइडिया हो तो। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे फॉर्टनाइट को लेके, और ये दोस्तों रिपोर्ट्स कहती है कि भैया आने वाला है एंड्रॉइड में नोट 9 के साथ में, लेकिन यहां पे दोस्तों एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भैया इस फोन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स वो होंगे काफी हाई एंड, कि अगर आपके फोन में स्नैपड्रैगन 820 या फिर उससे ऊपर कोई प्रोसेसर है, या फिर अगर आपके पास में है किरिन 970 या उससे आगे वाला कोई और वर्जन, या फिर आपके पास में है सैमसंग का एक्सिनोस 8890 या फिर उससे आगे वाला कोई वर्जन, तो ही आप एंजॉय कर पाएंगे इस गेम को, ये बाकी किसी फोन में नहीं चलने वाला है। तो यार इसका मतलब या तो ग्राफिक्स काफी हैवी होने वाले हैं, या फिर क्या पता कुछ और यहां पे होंगी प्रॉब्लम्स या जो भी बातें हैं। तो ये दोस्तों अपडेट फिलहाल के लिए फॉर्टनाइट को लेकर जो कि आने वाला है एंड्रॉइड फोन्स में। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया ASUS की तरफ से, और यहां पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं टफ गेमिंग लैपटॉप की, जिसको कर दिया है इंडिया में अपग्रेड ASUS ने, और यहां पे TUF का मतलब है द अल्टीमेट फोर्स, और यहां पे दोस्तों को मिलता है भैया फिलहाल के लिए GTX 1060 ग्राफिक्स कार्ड। यहां पे इसके अलावा एक 1050 वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसकी प्राइस शुरू होती है 63,990 रुपीज से, लेकिन इसके ऊपर ये 70,000 80,000 90,000 सुन जाता है ये लैपटॉप। ऐसे में गेमिंग लैपटॉप काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन मेरी पसंद आज भी वही है भैया, या तो होगा कंसोल एक बढ़िया, या फिर होगा एक गेमिंग PC। लैपटॉप्स में पता नहीं क्यों मजा सा नहीं आता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है फाइनल यहां पे यार, वो है ये एक शॉकिंग रिपोर्ट इंडिया में इंटरनेट यूजेज को लेके, जहां पे दोस्तों हमको मालूम ये चलता है कि भैया सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं 15 साल से 65 साल की एज ग्रुप में जो आज की डेट में इंटरनेट को यूज करते हैं। तो यार ये नंबर दोस्तों बहुत ही कम है, सिर्फ 19% 15 से 65 साल के एज ग्रुप के बीच में, और यहां पे हालांकि इस एज ग्रुप में 35% लोगों को मालूम है इंटरनेट के बारे में, 35% लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, लेकिन यूज करते हैं सिर्फ 19%, और वो जो दोस्तों 19% लोग यूज कर सकते हैं इंटरनेट, उसमें से 27% जो है वो इसको काम में लेते हैं मेनली सोशल मीडिया के लिए। तो यार ये जो पेनिट्रेशन है ये हमको शायद और बढ़ता हुआ देखना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, ताकि हम इंफॉर्मेशन को और अच्छे से फैला सके, क्योंकि जो 19% का नंबर है दोस्तों बहुत ही एक कम नंबर है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।